जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल लाल मिक्स ज्ञान सागर का स्वागत है। दोस्तों आज आपको मैं एक गुप्त तांत्रिक विधि और मंत्र बताने जा रहा हूं। यह मंत्र अवघड़ मंत्र है, अवघड़ प्रक्रिया है। यह जो साधना आपको बताने जा रहा हूं यह साधना समसानिक है, अतः जो कमजोर दिल वाले होंगे, जिनको डर लगता है, भय लगता है, और जिनको जो है रक्षा मंत्र सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से पता नहीं है, वो कृपया करके साधना को ना करें और करने के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि उग्र और खतरनाक यह मंत्र साधना है जो गुप्त तरीके से करते हैं। मैं इसकी साधना को आप लोग के समक्ष रखने जा रहा हूं। यह साधना को बताने के उद्देश्य मेरा यह जानकारी देना केवल है, ताकि यह विलुप्त ना हो और उन सभी का जानकारी आप लोग को पता चले। यह साधना को किसी जानकार व्यक्ति या गुरु के निर्देश पर उसके सानिध्य में रहकर ही यह साधना करें। और जो सक्षम है, जो समसानिक प्रक्रिया कर चुके हैं, उन वह लोग तो इसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसको रक्षा विधान पूरी तरह से पता है और करते आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है। और जो नए हैं और जो इसके बारे में कभी समसानिक प्रक्रिया नहीं किए, तो बिल्कुल इसको ना करें। यदि आप बिना गुरु के निर्देश पर, बिना सानिध्य पर यह साधना करते हैं, उसमें जो भी शारीरिक मानसिक आपको नुकसान होगा, उसकी जवाबदारी आप स्वयं होंगे। मंत्र इस प्रकार है। मरघट अघोड़ी अवघड़ का चेला, कभू न माथ नवाए, सिन 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 चिमटा बाजे, भांग पिए गुर राय, जिहा कहूं उहां जाए, इक्कीसो विद्या इनकावन जंजी लगा के, सवा घड़ी सवा पहर में अमुक काम करके नहीं दिखावे, ता मरघट के अघोड़ी मनसा राम नहीं कहावे, हाँक पड़े अवघड़ दानी शिव शंकर के, सातों गुरुला लागो करना। साधना है यह अवघड़ साधना है। यह साधना बताया, ये इतना पावरफुल है कि आप कोई से भी काम इसमें कर सकते हैं। अवघड़ भी देखने सुनने में आता है, मेरे गुरुजी के बताए हुए यह अनुभव है। जिन्होंने इसके मारण विद्या प्रक्रिया किया हो था, तो उनको कैसे काटते हैं इसके बारे में मैंने इसको पूछा था, अवघड़ विद्या को कैसे काटते हैं, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दिया था, और उन्हीं की जानकारी को आपके समक्ष रख रहा हूं। यदि आपको या फिर कोई भी व्यक्ति को किया कराया कर दिया है, किसी के शरीर में मसान भेज दिया है, या भूत शरीर नेगेटिव ऊर्जा उसके शरीर में घुसा दिया गया है, बहुत दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द होता है, इंसान बहुत कमजोर होते जा रहा है, सूखते चला जा रहा है, और खाट में ही उसका हर चीज हो रहा है, तो इस तरह की प्रक्रिया आदि किसी को कर दिया गया है, तो इस मंत्र से इस सिद्धि करने के बाद में आप उसको तुरंत ही ठीक कर सकते हो। या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर में किया कराया कर दिया गया है कोई जादू टोना, लेकिन आप नहीं जानते हो कौन किया है, किसने किया है, तो यह परिक्रमा करके आप उनको ठीक करने के साथ ही साथ जो व्यक्ति यह प्रक्रिया किया है उनको भी आप डबल रफ्तार में उसको सजा मिल जाएगा। बाजी जिसने किया है ना, उसको यह तुरंत जगह प्रभाव करेगा। तो यह साधना को बताता हूं, इसको फिर एक बार आग्रह करूंगा कि इसको बिना सानिध्य के यह साधना ना करें। जब आप योग्य हो तभी यह साधना को करें। यह एक दिन का साधना है, अमावस्या के दिन इसको साधना किया जाता है। यह साधना शमशानिक साधना है, शमशान घाट में ही साधना कर सकते हैं, अन्य जगह में नहीं कर सकते, नहीं तो एकांत जगह है जहां पर कोई आता जाता ना हो, वहां पर यह साधना को कर सकते हैं। इसका मेन साधना का समय रात्रि 11 से 2 बजे के मध्य में है, और इसको शमशान में कर सकते हैं जहां पर चीता जला हुआ हो वहां पे, या फिर जहां पे कब्र गाड़ दे इंसान को दफना दिया गया उसके वहां भी यह कर सकते हो। इनके लिए आपको नारियल, बंगला पान, लौंग, इलायची, शराब, मुर्गे का मांस, भांग, यदि भांग ना हो तो सिगरेट या फिर बीड़ी का जो है चूर्ण बना करके इसको हुम देंगे उस समय आपको आवश्यकता पड़ेगा, नींबू और सिंदूर का आवश्यकता पड़ेगा, साथ में एक चाकू लेके जाए, इतना सामग्री आपको आवश्यकता पड़ेगा, साथ ही एक काला कपड़ा। यह साधना करने से पहले एक दिन पूर्व उस शमशान घाट को निमंत्रण देना होगा आपको कि मैं अमुक कार्य कल करने आ रहा हूं, अमावस्या के दिन में मेरा कार्य सिद्ध करना है, अवघड़ बाबा मैं जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से आ रहा हूं, सदैव मेरा रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, इस तरह आपको बोलना है। और निमंत्रण देंगे, वहां से निमंत्रण देने के बाद में शिव शंकर जी के पास में जाएंगे, वहां पूजन करेंगे, दूध से या जल से आप अभिषेक करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में आप सो जाएंगे। अगले दिन जब
अगले दिन होगा, यदि शनिवार को मान लिया अमावस्या पड़ता है तो आप एक दिन पूर्व शुक्रवार को यह प्रक्रिया कर लेंगे, निमंत्रण और शिव जी का पूजन। फिर जिस रात अमावस्या होगा उसी रात को आपको जाना है शमशान घाट में सारा सामग्री लेकर के। आपको रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरे, बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा घेरा मंत्र आपको बंधिश करना होगा। उसके बाद में सुरक्षा घेरा और शरीर बंधन करने के बाद में गणेश, गुरु, सरस्वती, गुरु दीक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से फिर पढ़ लेना है। शरीर को अच्छे से वज्र को बंधी बांध देना है और आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा घेरा कितना बड़ा लगाना चाहिए, जितना आपका शरीर का ऊंचाई है उतना गोल घेरा सुरक्षा घेरा होना चाहिए। कि आप यदि सो जाएं तो घेरा के अंदर में रहें, आपका शरीर बाहर निकले। अगर सीध में सो जाएं तो आपका शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकले, इतना बड़ा सुरक्षा घेरा होना चाहिए। सुरक्षा घेरा करने के बाद में आप गड़े आप अगरबत्ती जलाएंगे, उसके लौंग इलायची बंगला पत्ता रख देंगे, उसके बाद में यहाँ पे आग जला लेंगे। आग इसमें कंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आग का अंगार को कर सकते हैं। उसमें आवाहन करेंगे, अवघड़ बोले शिव शंकर जी का आवाहन करेंगे, आपके इष्ट देवी देवता उनको आवाहन करेंगे कि मेरा रक्षा करें, यह कार्य अच्छी तरह से सिद्ध हो। अवघड़ बाबा को आवाहन करें, आवाहन करने के बाद में आप वहां पे अभी आरंभ करेंगे पूजन सामग्री और पांच प्रकार के मिठाई या फिर जो भी आप भोग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद में हाथ जोड़कर एक नारियल उसके नाम में रख देंगे, हाथ जोड़ करके आप मंत्र आरंभ करेंगे। मंत्र आपको 108 बार पढ़ना है। 108 बार होने के बाद में आप मांस और शराब वहां पे आपको उनको एक छोटा सा कटोरी या फिर किसी पात्र में रख के आपको दे देना है। इस तरह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जो बाकी सामग्री रह जाता है जैसे नींबू है, नींबू को सिंदूर लगा के वहां जितने सामग्री है वहां पे आपको छोड़ देना है और आपको वहां से आ जाना है, हाथ पैर धो करके घर में प्रवेश लेना है। यह एक पहला विधि है। दूसरा विधि, इसको जलते हुए चिता में इस साधना को किया जाता है। यह भी एक ही दिन का है, इसमें अमावस्या ही पड़े, ये खास नहीं है, कोई भी दिन में यह प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन चिता हो और वह पुरुष का हो। वहां जाकर के नारियल का आधा टुकड़ा नीचे उनका सत्व पड़ेगा, उन्हीं और जितना सामग्री आप सामग्री बताया गया है उसको आपको लेके जाना है और आपको नारियल को उसकी चीता जहां जलता है उसके पैर तरफ खड़ा होना, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, वहां पे खड़ा होना है, वहां पैर की आग के ऊपर में रखना है और इस मंत्र को 21 बार पढ़ना है। 21 बार पढ़ने के बाद में आपको सारा सामग्री है उस नारियल के खटोली आधा भाग है उनमें देना है, चाहे मिठाई दो, नींबू दो, जितना सामान उसको रख देना है। रखने के बाद में आपको जो भी मनोकामना है वह बोल देना है, 21 बार केवल मंत्र पढ़ना है। उसके बाद मांस दारू सब उसी में दे देना है और दे करके प्रार्थना करने के बाद में आपको आ जाना है। ध्यान रहे यह बहुत गुप्त तरीके से होना चाहिए यह पूजा पद्धति, यदि आपके यहाँ संभव है तो ही करें, यदि संभव ना हो तो यह साधना ना करें। यह हो गया सिद्ध करने का। अब इसको चलाते कैसे हैं इसके बारे में सुनिए। जब भी यदि यह आपने पहले सिद्ध कर लिया उसके बाद चलाएंगे कैसे, आपको काला कपड़ा जितना सामान मतलब आपको लगा है वही सामान फिर से लगेगा आपको, या जब भी आप काम करेंगे। शनिवार को रात्रि को यह काम किया जा सकता है, सिद्ध अमावस्या के दिन किया जा सकता है और कार्य शनिवार की ही रात्रि को होगा। उस दिन आपको यह सामग्री लेना है, कपड़ा, नारियल, भांग, सिगरेट का या फिर बीड़ी का चूर्ण ताकि होम धूप दे सके, शराब, मांस, मांस जो है पका करके दे, उसका कच्चा मांस नहीं देना है, पका करके देना है, सब्जी बना करके यदि कहीं से आप खरीद के ला सकते हैं, आपको ले जाना है और आपको जो भी आपको मनोरथ है मंत्र के माध्यम से आप बोलेंगे और मंत्र बोलने के बाद में आप जो है होम देते जाएंगे और इसको 7 बार आपको मंत्र बोलना है जिस समय काम करेंगे। पहले बार में आप होम देंगे, दूसरा में आप अगरबत्ती जला देंगे या पहले अगरबत्ती जला देंगे फिर होम देंगे, नींबू देंगे, मांस देंगे, शराब देंगे, पांच प्रकार के मिठाई देंगे, लौंग इलायची देंगे, जल देंगे, यह सर प्रक्रिया आपको करना है। यह करने के बाद में आपको आ जाना है। ये बहुत ही अच्छा
इसके प्रभाव होता है, किसी के प्रभाव कोई भी किया करा है उसको तुरंत खत्म कर दिया जाता है। और इसी प्रक्रिया से मारण विद्या भी प्रक्रिया किया जाता है, वशीकरण भी किया जाता है अन्य प्रकार से। लेकिन जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से आपको बताया गया है, इसलिए आप लोग जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से यह प्रयोग को करें और दूसरों का भी जनहित करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन उसको प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। एक विशेष बात, मैं यह जानकारी जो प्राचीन समय के मंत्र और गुप्त तरीके तौर तरीके हैं, इसके जानकारी आप लोगों को मैं देते रहता हूं, ताकि विलुप्त ना हो, आप सभी को इनके बारे में जानकारी हो, ताकि आगे वाले जनरेशन को पता चले कि पहले के जमाने में किस तरह से साधना और कैसे मंत्र करते थे और किस तरह प्रयोग करते हैं।